मॉर्निंग क्लास 6 थी। हम जैसे कि मैथ्स कर रहे थे तो जितनी हमारी हो चुकी थी उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4.2 एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग इंटेजर्स। ये जो इंटेजर्स दे रखे हैं इनको ऐड करना है। ऐड का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐड कैसे करना है ना। सबसे पहले हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, साइन का, जो साइन होते हैं कि जैसे प्लस माइनस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो तो भी माइनस हो जाता है, और कोई संख्या माइनस माइनस की होती है तो प्लस हो जाता है, लेकिन आंसर जो है उसका माइनस ही आता है। क्लियर? तो अब हम इसको ऐड करेंगे। तो ये तो सिंपल ही दिख रहा है आपको सामने, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, कितना होता है 13, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? सेकेंड, -7 प्लस माइनस माइनस होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 5 माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने आपको यहाँ बताया माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन आंसर काहे का आता है, माइनस का आता है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा लेकिन आंसर फिर भी माइनस का आएगा। तो 7 और 5 दोनों संख्या जुड़ जाएगी तो कितने हो जाएंगे 12, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 प्लस माइनस 5, तो 7 वैसा का वैसा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 5। अब सामने ही दिख रहा है आपको 7 में से 5 माइनस करें क्या आएगा आंसर 2, क्या आएगा 2। क्लियर? नेक्स्ट सम्स, -6 प्लस 5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन यहाँ अगर प्लस की संख्या बड़ी होती तो आंसर प्लस में आता, यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए आंसर काय में आएगा माइनस में। तो 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, काय का माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। क्लियर? नेक्स्ट सम्स पे चलते हैं हम, तो -1, ये फिर प्लस माइनस -3, फिर प्लस माइनस -4, तो माइनस 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 सब प्लस हो जाएंगे। तो 1 और 3 कितने होते हैं 4, 4 और 4 कितने होते हैं 8, और सब जगह माइनस है तो आंसर काय का आएगा माइनस का। क्लियर? वैसे ही यहाँ पर देखते हैं -10, -10 प्लस 6, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 10 में 6 गए तो 4, काय के माइनस की, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। क्लियर? नेक्स्ट सम्स हमारा है, फाइंड दी सम ऑफ फॉलोइंग इंटेजर्स। इनको भी सेम वैसे ही हमें ध्यान रखना है जैसा मैंने आपको बताया है इधर, कि इन चिन्हों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ प्लस माइनस की संख्या होती है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस प्लस होगा वहाँ भी माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस माइनस होगा वहाँ संख्या तो प्लस हो जाएगी लेकिन आंसर का एक आएगा माइनस का। क्लियर? तो हम नेक्स्ट सम्स पे चलते हैं अब आगे, 47 वैसा का वैसा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 64। अब 47 में 64 नहीं जा सकते तो 64 में से 47 माइनस करेंगे, तो 14 में से 7 जाएंगे तो 7, अब 6 में से 1 इसको दे देता बचा 5, 5 में से 4 गया तो 1, काय का आंसर आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। क्लियर? नेक्स्ट -93 प्लस 74, वही माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर भी माइनस का आएगा। तो 13 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 9, और 8 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा 1। क्लियर? ये आपका आंसर। नेक्स्ट सम्स, 63 प्लस 74, आपको सामने ही दिख रहा है कि इसको तो इजीली प्लस ही करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13, कितने हो जाएंगे 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, -18 प्लस 25, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करेंगे, तो 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 7, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, और 1 मिस 1 गया तो 0। क्लियर? और प्लस की संख्या बढ़ी है इसलिए आंसर भी काय का है अपना प्लस का। क्लियर? नेक्स्ट सम्स पे चलते हैं हम, सिंप्लीफाई, कहाँ चलते हैं सिंप्लीफाई, करना वैसे ही है हमें सिंपल 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 बिल्कुल। -16 प्लस 47, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 32 प्लस माइनस फिर माइनस 4। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि माइनस माइनस की जो संख्या है उनको अलग अलग प्लस कर लेंगे, तो -16 -32 -4 और प्लस के 47, तो ये माइनस 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 ये सब आपस में प्लस हो जाएंगे लेकिन आंसर काय का आएगा माइनस का। तो 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 4 कितने हो जाते हैं 12, की 2 कैरी 1, 1 और 1 2 और 3 5, काय के आएंगे माइनस के,
और प्लस 47। अब फिर यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस की संख्या वैसे भी बड़ी है, तो आंसर भी काहे का आएगा, माइनस का। तो 52 में से 47 जाएंगे तो क्या बचेगा, 5। क्लियर, ये आपका आंसर है। क्या है ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सम्स पे चलते हैं हम। माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 18 प्लस 63। तो माइनस माइनस वापस प्लस कर लेंगे, लेकिन आंसर का ही का आएगा, माइनस का। तो 18 और 7 कितने हो जाएंगे, 25 प्लस 63। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 63 में से 25 माइनस करेंगे तो 13 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8। यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, और प्लस की संख्या बढ़ी है, इसलिए आंसर भी काहे का आएगा, प्लस का। ओके, तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही रहेगा, और बाकी के सम्स, इसके आगे के जो सम्स हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। काहे में करने हैं, होमवर्क में करने हैं। और इन सम्स को भी आपको 3-3 टाइम घर पे करना है, 3 टाइम्स घर पर करना है। ओके, तो नेक्स्ट के लिए, और ये जो सम्स मैंने आपको सारे करवाए हैं अभी, आपको फेयर कॉपी में उतारना है। काहे में उतारना है, आपको फेयर कॉपी में उतारना है, फेयर कॉपी में उतारना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ऑल दी बेस्ट।